ना कोई दुकान, ना कोई गोदाम, ना कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, फिर भी आप बिजनेस को शुरू कर सकते हो। सुनने में अच्छा लगा रहा, पूरी वीडियो देखोगे ना तो और अच्छा लगेगा। देखिए, अगर आपके बिजनेस को बहुत सिंपल तरीके से करते हो, कॉमन तरीके से कर सकते हो, तो वो उस चीज़ को, उस बिजनेस वैसे परफॉर्म नहीं कर सकता जिस प्रकार से आप उस चीज़ को थोड़ा सा ट्रेंडिंग और आज के हिसाब से जो ज़रूरत है लोगों की, उस हिसाब से अगर आप उस बिजनेस को करते हो। तो आप कॉमन बिजनेस में थोड़ा चेंज करोगे ना तो वो आपका स्टार्टअप हो जाता है, वो आपका यूनिक आइडिया हो जाता है और उसके साथ आप उस चीज़ को, मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हो। सबको समझाने वाला हूँ कौन सा बिजनेस आइडिया है, कहाँ पे आपकी मार्केट है, कहाँ पे आपको पैसा लगाना है, कहाँ से आप कितना पैसा कमा सकते हैं और इसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या है। पूरा वीडियो देखने है ताकि आपको समझ में आए कि भाई ये जो मिलियन डॉलर बिजनेस आइडिया है, मैं हर बिजनेस आइडिया को ऐसे नहीं बोलता, तो क्या है वो आइडिया। मेरा नाम है नरहीन और आप देख रहे हो बोले तो बिजनेस। देखिए, सिंपल सा बिजनेस है कि आपको करनी है मार्केटिंग। आज के टाइम पे आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी कि ऑफलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फलाना ढिमकाना, हर बिजनेस, सब जितने भी आप इंस्टाग्राम में आप इन्फ्लुएंसर देखोगे, सब ये बोलते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग, ये वो, ऐसा करो प्रमोशन, ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करो, ये करो, वो करो। तो ये क्या है, ये मार्केटिंग करके इतना लोग करोड़ों छाप कैसे रहे? तो इसके पीछे सिंपल सा है कि आपका विज्ञापन, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, आप जो सर्विस दे रहे हो, उसकी छाप पड़नी चाहिए कस्टमर के दिल में। जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे बड़ी बड़ी जिनकी हमें पता है बचपन से, टाटा का और ये फॉर एग्जांपल टाटा का हम लोग देखते आ रहे हैं टीवी पे, हमें पता है कि इसकी चाय, इसका नमक और ये सब आता है। लेकिन ये जो अभी टाटा का नमक का जो ऐड आया टाना, ये सब चीज़ें, इनको करने की ज़रूरत क्या है भाई? ये इतने एस्टैब्लिश ब्रांड है कि इनका बिना ब्रांडिंग के, बिना एडवर्टीजमेंट के, बिना मार्केटिंग के चलेगा? ये सब ज़रूरी है क्योंकि ब्रांड रिकॉल, ब्रांड आपके माइंड में होना चाहिए। जैसे ये अब दोबारा कभी आप ट्यून सुनोगे ना टाना नाना, तो आपको समझ में यही आएगा कि टाटा नमक, टाटा चाय, ये है मार्केटिंग की पावर कि लोग दोबारा आपका पॉलीथीन देखें, आपका कुछ देखें, आपका ये सुने, तो आपका ब्रांड रिकॉल हो, उसके बाद जो है बंदा आपका सामान खरीदे। अल्टीमेटली आपका बिजनेस क्यों कर रहे हो? पैसा कमाने के लिए। पैसा कैसे कमाओगे आप लोग? आपका अगर सामान, आपका सर्विस, आपकी दोबारा सब कुछ बिकती जाएगी। ये सिंपल तरीके समझा रहा हूँ मैं, ना कोई फैंसी वर्ड यूज़ करना चाहता हूँ, ना ये वो इतने टर्म्स प्रोफेशनल टर्म्स करके, ये सिंपल तरीके से बिजनेस होता है। और ये सब चीज़ें ना आउट ऑफ द चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, वो सब बाद में जाके मैनेज होती हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मार्केटिंग, और मार्केटिंग का सबसे अच्छा तरीका है, आपने देखा होगा बिस्लेरीज, किनले, इन सब की बोटल्स देखी होगी आप लोगों ने, ठीक है? सुन लो पहले, उसमें बताओ कि आपने रील में देखा होगा, इसमें देखा होगा, रील में आपने देखा होगा कि आइडिया कि आपने एक छोटी सी बोतल में आप किसी कंपनी का अगर आप स्टिकर लगा के बेचोगे तो बहुत चलेगी। अब वो आपने रील देख ली, रील स्वाइप कर ली, ऊपर कर लिया, उसके बाद कुछ किया उसके बारे में? कुछ नहीं किया ना। तो आप सुनो कैसे होता है वो बिजनेस। देखिए, छोटे छोटे प्रोडक्ट, 20 रुपये वाली, 10 रुपये वाली बोटल्स आपने देखी होंगी, जो इतनी इतनी बोटल्स होती हैं, बिस्लेरी फॉर एग्जांपल या किनले फॉर एग्जांपल, इनका होता है। इनसे क्या हो रहा है, इन बोटल का, इन कंपनी का ही प्रमोशन हो रहा है। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप एक ऐसी बोटल इनसे लो और पानी उसमें डालो, उसी क्वालिटी का, उसी TDS का, उसी जो pH लेवल का जो पानी होता है, और उन कंपनीज़ के पास जाओ, जैसे टाटा है, रिलायंस है, और भी मतलब ये तो बहुत हाई लेवल की बात करूँ, अपने आसपास में जाओ और उनसे बोलो कि हम आपके कंपनी का लोगो लगा के, आपका कोई इवेंट होने वाला है, कोई कॉर्पोरेट हाउस और कुछ इवेंट होने वाला है, वहाँ पे आपको सप्लाई करेंगे आपके हिसाब से, तो वो आपको आज नहीं तो कल वो आपको ये आपका जो है ना प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे और आपको बहुत अच्छा बिजनेस देने वाले हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे कैसे होने वाला, बस दिल थाम के बैठो यार। देखो अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे एरिया में कुछ कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, अच्छे अच्छे कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, ठीक है? उनकी एनुअल मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, कॉर्पोरेट उनके इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप अगर उनकी कंपनी का लोगो लगाओगे, उनकी कंपनी का ब्रांड लगाओगे, उनकी बोतल मतलब लगाओगे, पानी की बोतल है, कुछ भी है वहाँ पे, तो वहाँ उनका ब्रांडिंग होगी। तो भाई, उनको आप उसी रेट में पानी दे रहे हो और उसी रेट में उनकी ब्रांडिंग कर रहे हो, तो वो आपसे क्यों ना लें? अब बिस्लेरी की बोतल उनको 10-20 रुपये की पड़ती है, वो चीज़ आप उनको सेम उनके ब्रांड का दे रहे हो, पानी की क्वालिटी सेम दे रहे हो, pH सब कुछ सेम दे रहे हो, तो आपसे क्यों ना लें? वो आपसे ही लेंगे।
ये इस बात की गारंटी है आज नहीं तो कल वो आपसे लेंगे, क्योंकि उनकी फ्री में मार्केटिंग हो रही है। आप कोई बंदा फॉर एग्जांपल कि चलिए कोई इवेंट है कि ये कोई सिंगर विंगर आया और ऑडिटोरियम है, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, और वहाँ पे उन लोगों ने क्या किया, आपने वहाँ पे उनको ऑर्डर लिया और आपने उस ऑडिटोरियम की ब्रांडिंग कर दी और साथ में जो आर्टिस्ट आ रहा है उसकी उसकी ब्रांडिंग कर दिया। अगर नहीं करनी तो आर्टिस्ट की मत करो, लेकिन कंपनी की कर दिया आपने, जो कंपनी वो इवेंट करा रही है। अब वो पानी की बोतल वो यूज़ करेंगे, शायद लेके भी जाए, कुछ करें कुछ ना करें, तो वो अल्टीमेटली आपका जो नाम की जो एडवर्टीजमेंट है वो हो रही है। जब भी वो पानी पी रहा है तो आपका नाम देख रहा है, वो कभी ना कभी रिकॉल करेगा, जैसे ही आपका सेम कलर का या सेम फॉन्ट का कभी कोई आपको वेबसाइट में या फिर आप प्रमोशन करोगे दोबारा जब ऑनलाइन, तब वो बंदा आपको रिकॉल करेगा, बोलेगा हाँ यार ये कंपनी तो मैंने देखी है सुनी है। तो इससे ना जो आपका जो 2x होने वाला है ना, जो आपकी मार्केटिंग में जो आपकी ग्रोथ होने वाली है, इससे 10x हो जाती है। तो ये है मार्केटिंग का पावर, आप सिर्फ पानी की बोतल से, सिर्फ मैं तो एक ये दे रहा हूँ कि आप ये कर सकते हो। आपने देखा होगा बहुत सारे जो इवेंट होते हैं, जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे आप बहुत सारे गुडीज़ दिए जाते हैं, बहुत सारे बैग, जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब फैन फेस्ट है तो वहाँ पे आपको बहुत सारे कप ये सब वो सब मिलता है, तो क्या ज़रूरत है गिफ्ट देने की यार। ये चीज़ें समझने वाली बात है, कोई कंपनी ज्वाइन होती है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ वो देती है, ज्वाइनिंग किट देती है, उनको अपनी ब्रांडिंग कराने की क्या ज़रूरत है, सिंपल सिंपल किसी कंपनी का भी दे सकते हो ना। तो यही तो बात है, कंपनी का तो वो देंगे खरीद तो कंपनी से रहे, लेकिन अपनी ब्रांडिंग लगा गए। तो अब आप समझ गए ना क्या है इन्वेस्टमेंट, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको पानी जो आपके आसपास के जो प्लांट हैं जब हम भरते हैं वहाँ से आपको बात करनी है, और बोतल जो अच्छी क्वालिटी की है, जो स्टीडीज का पीएच का कहानी है वो लेना है। ऑलमोस्ट आपको 2 से 2.5 या 3 रुपये में आपका एक बोतल तैयार हो जाएगा। उसके बाद ये आपका इन्वेस्टमेंट है, प्रिंटिंग के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि आप उस कंपनी का, क्योंकि आपको कुछ करना तो वैसा है नहीं, क्योंकि उनसे आपको लोगो लेना है, PNG फाइल उनसे लेनी है, उनके कलर फॉन्ट लेने हैं, और उसी हिसाब से आपको ब्रांडिंग करनी है। आपको बस प्रिंटिंग के लिए वो जो लेबल है वो प्रिंट करने के लिए आपको एक मशीन छोटी भी चलेगी, या आप किसी दूसरे जो प्रिंटिंग वाले हैं ना उनसे ये बात कर सकते हो कि वो आपके लिए इतने रुपये का इतने क्वान्टिटी का ये छाप सकते हो बस। तो आपके जो क्लाइंट्स हैं, आपके जो मार्केटर्स, बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस बिज़नेस के बारे में और डिटेल में बात करनी है, या आप चाहते हो कि मैं इसमें हमारी कंपनी जो है आपके लिए इसके लिए थोड़ा एस्केलेट करें और बिज़नेस आइडियाज़ में आपके लिए वर्क करें, तो आप मुझे मेल कर सकती हो, मेरा मेल आईडी आपको नीचे दिख रहा होगा, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे जितना हो सकता है, और ये पेड सर्विस होगी, ये फ्री नहीं होने वाली। आप बात करते हैं कि आपकी मार्केट कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। सबसे पहली मार्केट आपकी अगर आप देखोगे तो वेडिंग सेशन आने वाला है भाई, इतनी शादियां होती हैं इंडिया में कि आप जितने भी फोटोग्राफर्स हैं मोस्टली जो वेडिंग करते हैं वो एक सीज़न में इतना कमा लेते हैं जितना पूरे साल में नहीं कमाते। तो आपको सबसे पहले आपके इस एरिया में जितने भी बड़े बड़े छोटे छोटे जितने भी वेडिंग प्लानर हैं, ठीक है, उनको पकड़ो, उनको पिच करो ये चीज़ें, और उनको ना एक दो छोटे छोटे इवेंट में ना उनकी सर्विस उनको फ्री दो, जैसे कि XYZ, जैसे XYZ प्लानर है, ठीक है, उनका कोई छोटा फंक्शन हो रहा है, हल्दी वल्दी हो रहा है, उनको 1000-2000 बोतल पानी की चाहिए, उनसे बोलोगे पानी की बोतल हमसे ले लो, हम तो सिर्फ आप पानी की बोतल का पैसा पे करो और हम ये स्टिकर आपके लगा के दे रहे, तो कोई मना कर ही नहीं सकता यार। आप उनसे कॉन्टेक्ट करो, अच्छे से बात करो, सिस्टमेटिक ही चीज़ों को बनाना शुरू करो, और सबसे पहले आपके वेडिंग प्लानर हो गए, फिर दूसरा जितने भी गार्डन्स होते हैं जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, इवेंट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उनसे बात करो, उसके बाद शादी जो कार्ड छापते हैं उनसे बात करो कि वहाँ पे कुछ आपको स्टार्टिंग में छोटे लेवल से स्टार्ट करो, क्या गांव में शहर में कहीं भी आप कर सकते हो, आप हमें करवा सकते हो, हमारे इनसे बात करवा सकते हो, हम हमें कुछ कमीशन दे देंगे। उसके बाद आपका सेकंड स्टेप, सेकंड लेवल, कॉर्पोरेट हाउसेस, कॉर्पोरेट हाउसेस के जो जहाँ पे होते हैं कॉर्पोरेट हाउसेस में जाइए, वहाँ पे उनसे बात करिए कि आपके आने वाले जो इवेंट्स हैं उनमें हम लोग पानी सप्लाई करना चाहते हैं, और आपकी ब्रांडिंग के साथ हम अप्लाई करना चाहते हैं, और जो कोटेशन है हमारा वो उतना ही है जितना आप प्रीवियस को देते थे, तो आप ये सर्विस हमसे लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे, और प्रीवियस जो अपने को सैंपल्स है वो लेके जाओ कि बोतल का ये साइज़ होगा और ये आपको इतना ही पे करना है बस। कॉर्पोरेट हाउसेस के बाद आपके जो अगले क्लाइंट्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, अब वहाँ पर उनको चाहिए, आप कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कि XYZ हॉस्पिटल है और वहाँ पर पानी की बोतल बिस्लेरी की आ रही है, तो उन हॉस्पिटल को यार क्या फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से ना, लेकिन अगर वो उनकी हॉस्पिटल का ब्रांडिंग के साथ आ रहा है, साथ में आप उनको फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट, टॉवल, ये सब उनकी ब्रांड का लगा कर दे रहे हो सेम क्वालिटी का सेम उसका, तो उनको क्या प्रॉब्लम होने वाली है। हॉस्पिटल के बाद आते हैं आपके जो बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं, स्कूल्स में जो इवेंट्स होते हैं, स्कूल में जो पानी आता है, उसके बाद आपके जो आते हैं कॉर्पोरेट हाउस, मैंने आपको बता ही चुका हूँ, उसके बाद बड़े बड़े लग्जरीज होटल्स आते हैं, वहाँ पर आप लोग ये काम कर सकते हो,
मतलब लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी इतनी सारी है ना कि आप इसमें इमेजिन नहीं कर सकते। बस आपको स्टेप लेना है। एक स्टेप अगर आप लेते हो, कॉमन चीज बिजनेस ना करके थोड़ा अलग करते हो, तब आप इस चीज़ में सफल ज़रूर होगे। और ये मुझे बताने की ज़रूरत है भी नहीं कि एक्चुअली आप सफल हो गए या नहीं, क्योंकि आपने खुद इमेजिन करा होगा, देखा होगा कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। तो देखिए, अगर आपको बिजनेस करना है तो आप कुछ यूनिक करना ही होगा। कॉमन बिजनेस करके आप सिर्फ कॉमन ही रह जाओगे। इस बिजनेस में बहुत पोटेंशियल है आज के टाइम पे। कोई कंपनी, मेरे को नहीं लगता है कि कोई कंपनी ये करना कर रही है और साथ में सीरियसली कर रही है। वो कर तो रही है लेकिन प्राइवेट लेवल कर रही है वो सब। लेकिन इस चीज़ को ऐसे नीश में जाके, इवेंट प्लानिंग में जाके कोई नहीं कर रहा। अगर आप करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो। बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है। आप इस बिजनेस को अगर आप ट्राई करते हो तो आने वाले 1 से 2 से 3 साल में आपकी जो कंपनी है, आपकी जो मार्केटिंग कंपनी होने वाली है, वो अनदर लेवल तक चले जाएगी। इस बात की आप श्योरिटी ले सकते हो मुझसे भी। और आप बिजनेस के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो उनको मेल कर सकते हो। और कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, नीचे ज़रूर लिखिएगा। और शेयर करना ज़रूरी है इस वीडियो को, ताकि जो बंदा करना चाहता है यार उसको तो पहुंचे वीडियो। मेरा मैं नरेन और आप देख रहे बोल दो बिजनेस। अब बात करेंगे किसी और टॉपिक के बारे में किसी और वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए बोले दो बिजनेस। धन्यवाद।